रोड का शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकी वो काम AIMPLB के जरिए करवाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान से समाजवादी पार्टी का किनारा, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा बोर्ड के लोग ही बयान देने का करेंगे काम। मुहर्रम को लेकर बीजेपी नेता RP सिंह का बयान, कहा आज मुहर्रम में कहीं पर शोर शराबा नहीं होता, जब से योगी जी आए हैं इसमें बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप, अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन ऑफिस में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला है सामने, डूसू के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, NSUI के गुंडों पर मारपीट का लगाया आरोप। ऊना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाके का बेतुका बयान, छात्रों को पंचर की दुकान खोलने की दी नसीहत, कहा डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, जीवन यापन के लिए पंचर की दुकान खोल लेना। उधर देश भर की IAS और IPS पहुंचे अयोध्या, 300 चेयरमैन चयनित अधिकारियों को किया गया सम्मानित, रामलला का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली के मयूर विहार Phase 2 में लगी भीषण आग, नीलम माता मंदिर के पास एक कैफे और दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भीषण सड़क हादसा हुआ, कार और ऑटो की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक हादसा हुआ, नेशनल हाईवे 327 पर स्कॉर्पियो और ट्रक की हुई टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, कई लोग हुए जख्मी। उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा, पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी यूपी रोडवेज बस, हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी। महाराष्ट्र में कसारा घाट के पास नासिक मुंबई हाईवे पर रफ्तार का कहर, बेकाबू कंटेनर ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 13 लोग हुए जख्मी, हाईवे पर कंटेनर पलटने से लगा लंबा जाम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी एक महिला, कुएं में डूबने से 4 बच्चों की मौत, महिला को ग्रामीणों ने बचाया, पुलिस कर रही मामले की जांच। पुणे के पद्मावती इलाके में कार में अचानक से लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कोलकाता में रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में नॉर्थ संप्रदाय के साधुओं के साथ हुई मारपीट, लगा बच्चा चोरी का आरोप, वायरल वीडियो पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के GTP अस्पताल में हत्या का मामला है सामने, आरोपी ने अस्पताल में भर्ती मरीज पर 5 राउंड फायरिंग की, मौके पर मौत, 23 जून से अस्पताल में भर्ती मरीज रियाजुद्दीन, जिसकी हत्या को दिया गया अंजाम। बहराइच में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, कमरे में फंदे पर लटका मिला महिला का शव, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला हुआ, दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दबंगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की, सिगरेट की कीमत को लेकर हुई थी कहासुनी, 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबंगों ने महिला पर किया जानलेवा हमला, रास्ते को लेकर हुई कहासुनी पर दबंगों ने महिला पर ईंट से वार किया, महिला की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में परेशान महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे से सुसाइड नोट, पुलिस ने किया बरामद। बदायूं में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डोडा छिलका के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, तस्करों के पास से 14 किलो डोडा छिलका बरामद। उदयपुरी में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को फिर किया गया सील, लकड़ी से बने 6 संदूकों में रखा गया सामान, भंडार गृह में की गई टीम का बयान, सामान की लिस्टिंग के लिए लगेगा एक ऑडिट। उधर तमिलनाडु के थूथुकुडी में चंदना मरियमन आनी महामहोत्सव का आयोजन, भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने लिया हिस्सा। पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में कैफे के बाहर हुआ बम विस्फोट, हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के घातक हमले में रूस के बेलोगोरोड में आवासीय इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान, मलबे में दबने से 4 लोग हुए जख्मी।
इजरायली सेना का गाजा पर हमला लगातार जारी। लगातार 12 दिनों तक शुजाइया शहर में की गई बमबारी। शुजाइया शहर पूरी तरीके से तबाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन पर उठाए सवाल। कहा ट्रंप की सुरक्षा की गई कम। हमलावर की कार से पुलिस को मिला बम बनाने का सामान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर बोले जो बाइडेन एफबीआई हमले की कर रही जांच। हमलावर के मकसद का पता नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद। पहले ही भांप ली थी गड़बड़ी की आशंका। न्यूजर्सी में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज के बाहर जुटे सैकड़ों समर्थक। हमले की निंदा करते हुए समर्थकों ने कहा हमें ट्रंप जैसे आदमी की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुए हमले पर पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा नफरत को कम करने की जरूरत। राजनीतिक मतभेदों को कभी भी हिंसा के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता। ट्रंप पर हुए हमले की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की निंदा। कहा ट्रंप पर हमला ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां अभी कितनी गंभीर है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना करेगा। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई चिंता। कहा यह केवल एक अपराध नहीं है, यह अमेरिकी लोकतंत्र पर हत्या का प्रयास है। पाकिस्तानी सेना ने शांतिपूर्ण बलूच प्रदर्शनकारियों पर किया हमला। सेना की बर्बरता के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर कई बलूचों की हत्या का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौलाना क्यों खफा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला दिया जिसमें साफ तौर पर कहा कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी गुजारा भत्ता लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे धर्मों की महिलाओं को है। लेकिन इस पर AIMPLB की तरफ से एक बैठक हुई और बैठक में बकायदा प्रस्ताव भी पास किया गया और ये कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। और साथ ही कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो शरिया कानून से चलेगा, संविधान से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो प्रोविजन आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, हम वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ पहले दिन से मौलानाओं के इक्का दुक्का बयान सामने आ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उनके निजी मसलों में संविधान नहीं शरिया कानून ही चलेगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले में तीन बड़ी बातें कही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। दूसरा, महिलाओं के लिए मुसीबत साबित होगा ये फैसला। और तीसरा ये कि इस फैसले के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफी की है जिसका आप फैसला कर दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है जिंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी जिंदगी के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं। और कोई ट्रबल्ड मैरिड जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए शादी के बाद, जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्शन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कांट मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगी। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्य शामिल हुए। महिलाओं के मुद्दे पर उनके हितों की बात करने का दावा करने वाले 51 सदस्यों की बैठक में महिलाओं की संख्या महज 5 थी।
बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। पहला यही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है, मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को नुकसान होगा, फैसला वापस कराने की कोशिश करेंगे और फैसला शाहबानो केस के दोहराने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वो जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, तो इसमें भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है। AIMPL भी वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडिया अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर ये बना है, इंदिरा जी के समय पर ये बना है, और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPL के जरिए कराती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया। वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं तो BJP इसका मतलब समझा रही है और समाजवादी पार्टी इससे बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहने वाले संविधान को मानेंगे या फिर मजहबी कानून। सरकार को घेरने और अपने फायदे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे ऐतिहासिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले फैसले के खिलाफ आखिर क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।